दोस्तों क्या आप जानते हैं जो घर में आपकी स्कर्टिंग लगी होती है, ये वाली जो आपकी स्कर्टिंग लगी होती है टाइल्स के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती है, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये स्कर्टिंग होती है, इसको लगाने का सबसे पहले पर्पस होता है फ्लोर फिनिशिंग। ये फ्लोर को एक फिनिश रूप देती है यहाँ पे, क्योंकि जब अगर स्कर्टिंग ही होगी तो डायरेक्टली आपकी वॉल होगी और वहां पे वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो स्कर्टिंग के बाद फिनिशिंग यहाँ पे होती है। सेकंड क्या होता है कि अगर हम स्कर्टिंग नहीं लगाएंगे तो जो घर की लेडी होंगी झाड़ू पोछे यहाँ पे करेंगे तो वो सारे के सारा दाग जो लगेंगे वो दीवार पे लगेंगे, उससे बचाने के लिए भी हम स्कर्टिंग करते हैं। अगर हम फ्लोर को पानी से साफ कर रहे हैं तो भी क्या होगा कि अगर स्कर्टिंग नहीं होगी तो दीवार पे वो दाग लगेंगे आपके पानी के। नेक्स्ट इसका पर्पस है लगाने का कि जब आप पानी से आप फ्लोर को साफ करोगे, अगर स्कर्टिंग नहीं होगी तो पानी आपका दीवार में जाएगा और वो सीलन का रूप ले लेगा। दीवार को सीलन से बचाने के लिए भी हम स्कर्टिंग का यूज करते हैं। आप देखते होंगे जहां पे सीलन होती है तो लोग क्या करते हैं, आपकी यहाँ पे दीवार पे टाइल्स ही लगा देते हैं, कंप्लीट दीवार पे टाइल्स ही लगा देते हैं। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीलन से बचने के लिए। तो हम पूरे घर में टाइल्स दीवारों पे नहीं लगा सकते तो हम स्कर्टिंग का यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर जो इसके हम स्टैंडर्ड हाइट की बात करें, जो आपका स्कर्टिंग होती है इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट इंडिया में हम यूज करते हैं वो 3 से 4 इंच की हम स्कर्टिंग लेते हैं। 3 से अगर कम लेंगे तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, और 4 से ज्यादा लेंगे तो भी देखने में वो अच्छी नहीं लगेगी। जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 4 इंच का ही रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्कर्टिंग का जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पे 4 इंच आपका गिवन है। तो ये पर्पस होता है स्कर्टिंग लगाने का। और जिस टाइप की आपकी टाइल्स होती है उसी टाइल की कटिंग करके हम स्कर्टिंग लगाते हैं, या फिर बहुत सारी जगह क्या होता है कि स्कर्टिंग बोर्ड्स अलग से आते हैं इसको लगाने के लिए। उसका पर्पस क्या होता है कि स्कर्टिंग बोर्ड्स में होल होते हैं जिसमें हम वायर को भी पास कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो ये था कि स्कर्टिंग आप क्यों लगाते हैं, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड साइज बेसिकली 4 इंच होता है जो इंडिया में माना जाता है।